उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। आज हम तुम्हें सोनपुर की सैर करवाते हैं। अरे मयंक, अरुणा, रुको रुको, नितिन भैया आप भी? आज संडे है और सुबह सुबह तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और ये कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। धैर्या, ये मेरी कजन है शिवानी, ये दिल्ली से आई है। कजन? कजन मतलब चचेरी बहन। ओ आई सी। हेलो शिवानी। हेलो धैर्या, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। नितिन भैया और मैं शिवानी को अपने गांव घुमाने ले जा रहे हैं। अरुणा इज गोइंग विद अस, यू ऑल्सो जॉइन अस। प्लीज वेट फॉर मी, मैं माँ को बता कर आती हूँ। लेट्स गो, लेट्स गो। शिवानी, हमारा विलेज तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। लास्ट टाइम जब मैं विलेज आई थी तब मैं सिर्फ 2 इयर्स की थी। हाँ मुझे याद है, तब तुम दिन भर रोते रोते मम्मी के आगे पीछे घूमती रहती थी। भैया प्लीज डोंट टीज मी। हाँ हाँ ठीक है, नहीं करूँगा तुम्हें परेशान। लुक शिवानी, ये हमारा खेत है। वाओ, सच अ बिग फार्म। क्या ये फार्म अपना है? हाँ शिवानी, ये फार्म अपना ही है। यहाँ तक कि जो गेहूँ, चावल और दाल हम अपने घर पे खाते हैं ना, वह भी अपने ही खेत के हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ ये चीज़ें फार्म में उगाई जाती हैं? हमारे यहाँ तो शॉप से खरीदते हैं। अरे बुद्धू, शॉप में भी तो फार्म से ही जाती हैं। ओह सही कहा आपने, मैं दिल्ली जाकर अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि हम लोग अपने ही फार्म का उगाया हुआ अनाज खाते हैं। मेरे सभी फ्रेंड्स सरप्राइज हो जाएंगे। व्हाट हैपेंड शिवानी? अरे मेरा पैर स्लिप हो गया था। ज्यादा लगी तो नहीं? ओ इट इज ब्लीडिंग। देखूं तो एक छोटा सा कट है, ज्यादा नहीं लगी है। अपने फार्म के पीछे ही हॉस्पिटल है, वहां चलकर फर्स्ट एड करवा लेते हैं। अरे चलते चलते मुझे फार्म की पिक्चर्स तो लेने दो, मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखानी है। हो गए पिक्चर्स, चलो अब चलते हैं। ये लो आ गया हॉस्पिटल, चलो शिवानी फर्स्ट एड करवा लो। अरे इतनी पास में हॉस्पिटल? हमारे यहाँ तो गाड़ी से जाना पड़ता है, तब भी पहुँचने में 1 आवर लग जाता है। थैंक यू नर्स, आपकी फीस? नहीं शिवानी, यह PHC है, यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ फीस नहीं लगती, बस 1 रुपए की पर्ची बनती है। अच्छा। अरे प्रधान जी नमस्ते, आप यहाँ? हाँ बाबूजी की मेडिसिन्स लेने आई थी। ये बिटिया कौन है? यह मेरी कजन है शिवानी, अजय काका जो दिल्ली में रहते हैं उनकी बेटी। अच्छा अच्छा, अजय की बेटी, यह तो बहुत बड़ी हो गई है। हम सब इसे अपना गांव घुमाने ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं पंचायत भवन ही जा रही हूँ,
चलो शिवानी को भी पंचायत भवन दिखा दिया जाए। जी हम भी वहीं जा रहे हैं। तो शिवानी कैसा लगा तुम्हें सोनपुर? वेरी ब्यूटीफुल आंटी, यहाँ पर शाम को कितनी अच्छी हवा चलती है और यहाँ के हैंडपंप का पानी, वाह कितना मीठा और ठंडा है। सो तो है शिवानी, यह सोनपुर का छोटा सा मार्केट है, अपनी जरूरत का सारा सामान हम लोग यहीं से खरीदते हैं। लुक एट दीस, यह बैंगल्स कितनी कलरफुल है। भैया क्या मैं अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए बैंगल्स खरीद सकती हूँ? मैं तुम्हें बैंगल्स दिलाता हूँ। और नरेश कैसे हो? नमस्ते प्रधान जी, मैं एकदम ठीक हूँ। और सरिता का रिजल्ट आ गया क्या? जी हाँ प्रधान जी, रिजल्ट भी आ गया और वो फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई है। बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से उसे बधाई देना, मैं उससे खुद मिलने आऊंगी। वाओ आइस कैंडी, कैन आई हैव टू? मी टू। नरेश जरा बच्चों को बढ़िया सा बर्फ का गोला बनाकर खिलाओ तो। अरे आओ बच्चों, जो गोला आपको पसंद हो वो ले लो। थैंक यू आंटी। थैंक यू नरेश अंकल। देखो शिवानी, यह है सोनपुर का पंचायत भवन। इट्स सो बिग एंड ब्यूटीफुल। ऐसे यहाँ होता क्या है? बेटा गांव में अगर किसी के यहाँ लाइट या पानी की समस्या हो या अगर किसी को राशन ना मिला हो तो ऐसे में लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ आते हैं। मेरी मम्मी छुट्टी को टीका लगवाने भी यहीं आई थी। अच्छा तो गांव का ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। हाँ हर गांव में पंचायत भवन एक इम्पोर्टेंट प्लेस होती है। भैया अब मेरे चोट में पेन हो रहा है, कैन वी गो होम? ठीक है शाम भी होने वाली है, अब घर चलते हैं। आज हमने बहुत प्लेसेस देख ली, फार्म, हॉस्पिटल, पंचायत भवन, सोनपुर का मार्केट। कल हम तुम्हें यहाँ के मंदिर, मस्जिद और रेलवे स्टेशन दिखाएंगे। जी भैया। अरुणा धैर्या, तुम लोग कल भी हमारे साथ चलना। जरूर सर, जरूर। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, सी यू टुमारो। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा सोनपुर? अब अपनी टीचर के साथ अपने विलेज में घूमने जाइए आप लोग।